मनोहर लाल ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूर्वीय मनोहर लाल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रचार में जुटे हैं। पानीपत और नूह दौरे पर मनोहर लाल, यहाँ आपको बता दें कि पूर्व सीएम मनोहर लाल का दौरा रखेगा आज स्मालखा और फिरोजपुर झिरका में, यहाँ पर दौरा रखेगा। यहाँ आपको बता दें कि स्मालखा में रोड शो करेंगे पूर्व सीएम मनोहर लाल, फिरोजपुर झिरका में भी करेंगे जनसभा। यहाँ आपको बता दें कि जनसभा शुरू भी हो चुकी है, रोड शो में फिलहाल हिस्सा ले रखे हैं, प्रचार में जुटे हैं पूर्व सीएम मनोहर लाल। मनोहर लाल ताबड़तोड़ प्रचार कर रखे हैं जगह जगह जनसभा, ताकि आप ज्यादा ज्यादा कर सको और अपील कर सको। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं मोदी उनके हाथ मजबूत करने के लिए, जो तीसरी बार मोदी सरकार और संतर सरकार नहीं, इस बार चुनाव प्रचार में मनोहर लाल जुटे हुए हैं। अलग अलग विधानसभाओं का, अलग अलग लोकसभाओं का दौरा कर रखे हैं। स्मालखा से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, स्मालखा पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जनता से वोट की अपील की है, तो वहीं केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का जिक्र करते भी नजर आए हैं। स्मालखा में रोड शो में हिस्सा ले रखे हैं मनोहर। हमारी बहनें भी चिल्लाती थी, आज तो बात नहीं हो पाएगी, फिर कभी हमारे आपसे बात करके जाएंगे। हाँ, चलो मैं ही आऊंगा। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, समाजिक प्रोग्राम करके फिर फिरोजपुर झुका जाना है। अब गुड़ता सारी हरियाणा की सीटों पर मुझे जाना पड़ रहा है। एक हमें तीन लड़के लगे, मैं बहुत बोल रहा। तो हरियाणा में लगातार बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। स्टार प्रचारक चुनावी रण में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रखे हैं। कहीं रोड शो, कहीं जनसभाएं, तो कहीं विजय संकल्प। 5 लाख का बीमा अलग से कराया है हमने, तो पेंशन भाइयों, पहले तो बुजुर्गों की पेंशन, विधवा बहनों की पेंशन, अब तो ऐसे भी लोगों की पेंशन बांध दी। घरवाली किसी की मर जाए दुखी तो वो भी है, इसलिए उनकी भी पेंशन बांध दी। और कोई किसी का ब्याह नहीं हुआ हो 45 साल तक, और उनकी भी पेंशन है। तो हमने तो भाई नौकरियों में हमारे नौजवान साथी जानते हैं, बिकती थी नौकरियां, बिकती थी ना। आज बिना खर्ची बिना पर्ची के कोई पैसा नहीं लगता, पढ़ाई लिखाई करके आगे आ जाओ, आपकी नौकरी पक्की। ठीक है, जितने काम हमने किए हैं कांग्रेस को सोच भी नहीं सकती आने वाले 10 जन्म। इसलिए आपसे अपील कि 25 मई को ज्यादा ज्यादा संख्या में कमल के निशान की जो बटन है उसको दबा के 4 लोगों को रिजल्ट ऐसा निकलना चाहिए कि मशीनें भी घबरा जाए, उनको लगे यह क्या कमल 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 निकल रहा है। मेरी बात का पालन करेंगे, मेरी बात का पालन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत। जलालपुर के सभी, आज जलनाला के सभी
आप सबको ये सारी कामना हो जाएंगे। लाल रोड शो में हिस्सा लेते हुए समालखा से सीधी तस्वीरें आप देख रखे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल देखिए यहां पर चुनाव प्रचार कर रखे हैं, रोड शो में हिस्सा ले आके, और इस मौके पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की न केवल उपलब्धियों का जिक्र किया बल्कि नीतियों की भी बात करते नजर आए थे। जनता के समक्ष न केवल वोट की अपील की बल्कि उन्होंने हरियाणा सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पर्ची खर्ची में लगाई गई रोक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में नौकरियां बिका करती थी लेकिन मनोहर सरकार में पर्ची खर्ची पर रोक लगी है, अलग अलग गांव से लोगों को योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली हैं। तो मनोहर लाल देखिए रोड शो में हिस्सा लेते हुए समालखा में रोड शो में हिस्सा लिया के इस दौरान जनता से वोट की अपील की है। तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प दोहराते नजर आए गए। ताबड़तोड़ प्रचार हरियाणा में देखिए बीजेपी इस वक्त कर रही है, कहीं विजय संकल्प रैली की जा रही है, कहीं रोड शो किए जा रहे हैं तो कहीं जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व सीएम मनोहर लाल लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं, अलग अलग जगह पर चुनावी सभाओं को संबोधित कर रखे हैं। आज पहुंचे हैं समालखा, यहां पर रोड शो में पूर्व सीएम मनोहर लाल ने हिस्सा लिया है, जनता से वोट की अपील करते नजर आए हैं।